गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट लेबर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आप वजन ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं, आप वजन कम करना चाहते हैं, डायबिटीज को बेटर कंट्रोल करना चाहते हैं, तो आपको कैलोरीज को कट करने की जरूरत है। आपको अपनी डाइट में कैलोरीज को रिड्यूस करने की जरूरत है, लेकिन इसको बहुत हेल्दी वे में रिड्यूस करने की जरूरत है। कोई भी ड्रास्टिक मेजर काम नहीं करेगा। इस वीडियो में बात मैं इसी लेवल पर करूंगा, इसी मुद्दे पर करूंगा कि आपको कैलोरीज को कैसे कट करना है और कितनी कट करने की जरूरत है। नो, ये बात बिल्कुल सही है कि जो कटिंग कैलोरीज है या कैलोरी को नीचे करना है, इसका मतलब यह है कि आपको कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करने की जरूरत है। अगर आप रोज कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करते हैं तो यह बात सही है कि वजन कम होता है एंड जो बेसल मेटाबॉलिक आपका जो प्रोसेस है ऑफ डायबिटीज कंट्रोल वो बेटर होती है। बेसिक प्रोसेस भी यही है कि अगर आप जो बॉडी है उसका वेट ओवर पीरियड ऑफ टाइम नीचे करना चाहते हैं तो कैलोरीज को आपको कम करने की जरूरत है। यह बात सही है कि कैलोरी को कम करने की बहुत सारे तरीके हैं हेल्दी एंड बैलेंस्ड वेट को ठीक करने के लिए, जो आपको समझने की जरूरत है। नो, जो कटिंग कैलोरीज है या कैलोरी कम करने से आपका जो वेट मैनेजमेंट है उसमें आपको फर्क पड़ता है अगर आप कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करते हैं तो। यह बात बिल्कुल सही है। यह बात सही है कि अगर आपके बॉडी का जो रिक्वायरमेंट है उसके कंपैरिजन में आप कम कैलोरीज लेते हैं, जितना मेटाबॉलिज्म यूटिलाइज करता है कैलोरीज को डेली एक्टिविटी के लिए, उससे अगर कम कैलोरी मिल रही है तो नेचुरली आपका वेट नीचे की तरफ तो आएगा। अगर आप कम कैलोरी लेते हैं, जितना आप बर्न करते हैं, तो आपकी जो बॉडी है वो एक्स्ट्रा कैलोरीज अंदर ही से कहीं से निकालती है और उसके चलते आपका वेट लॉस होता है। और अंदर से जो ये बॉडी निकालती है कैलोरीज, ये मोस्टली फैट टिश्यू से आती हैं एंड थोड़ी सी मसल टिश्यू से भी आती हैं। तो अगर आपने कैलोरी नीचे की तरफ की तो एक मेटाबॉलिज्म के लिए एडिक्वेट कैलोरी नहीं मिली, तो एडिक्वेट कैलोरी को पाने के लिए आपके बॉडी के अंदर का जो फैट है, आपके बॉडी के अंदर का मसल है, उसमें से ये कैलोरीज निकालेगी और यूटिलाइज करेगी, क्योंकि इसको सर्वाइव तो करना है। नाउ तो अगर हम ध्यान से देखें तो जो कैलोरी डेफिसिट है इज नॉट द ओनली इंपॉर्टेंट फैक्टर, सिर्फ यही इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है। और जो कैलोरी जो डेफिसिट है, तो जो बॉडी का जहां तक सवाल है, इसमें मैथमेटिकल इक्वेशन काम नहीं करती कि 1200 कैलोरी खाएंगे तो यह होगा, 1000 कैलोरी खाएंगे तो यह होगा, 2000 कैलोरी खाएंगे तो यह मैथमेटिकल जो इक्वेशन है यह बॉडी में काम नहीं करती। ये मोटे मोटे कॉन्सेप्ट काम करते हैं बट नॉट द मैथमेटिकल इक्वेशन। जो वेट लॉस है वो इस तरह से काम नहीं करता। यह बात सही है कि आपका जो वेट लॉस है कैलोरी डेफिसिट के चलते फास्ट हो सकता है, स्लो हो सकता है, और बहुत सारे फैक्टर्स इस पर काम करते हैं। इसमें हार्मोन्स एंड डाइजेशन दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। नाउ आपने अगर अचानक से अपनी कैलोरी कम की, मान लीजिए आप जितना खाना खाते हैं और आपने आज से निर्णय किया कि अब तो मैं आधा खाना खाऊंगा, मैं बिल्कुल 50% अपनी डाइट कर दूंगा, आपने सडनली अगर अपनी कैलोरी बहुत सिग्निफिकेंटली कम की है तो क्या होगा? अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी बॉडी डिफेंसिव मोड में आ जाएगी, इन बॉडी वो सब काम करने लगेगी कि मुझे तो वेट प्रिजर्व करके रखना है। इन्हें वो काफी फ्रस्ट्रेटिंग हो जाएगा कि आपने डाइट आधी कर ली लेकिन वेट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये वास्तव में बॉडी के फिजियोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म है जो बॉडी यूज करना चालू कर देती है। उस जमाने में, उस समय में जब बहुत ज्यादा अकाल पड़ता था, सूखा पड़ता था, स्टारवेशन होता था, फेमाइन होते थे, तो वास्तव में ये इवोल्यूशनरी मेजर है कि हमारी जो बॉडी है अपने आप को सर्वाइव करने के लिए मेटाबॉलिज्म को नीचे कर देती है, इन बहुत सारे एडाप्टेशंस चालू कर देती है कि आपने सडनली पूरी की पूरी कैलोरी नीचे की तरफ ली और फिर भी आपके वेट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा या आपका वेट तेजी से कम नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि आपने अचानक अगर कैलोरी कम करने की कोशिश की तो वास्तव में यह आपको हेल्प नहीं करेगा, यह काउंटर प्रोडक्टिव भी चालू हो सकता है, इन आपको परेशानी में आ सकते हैं। इसलिए अगर आप इस तरह का काम करेंगे तो बहुत सारे इवोल्यूशनरी मैकेनिज्म आपकी बॉडी में किक इन हो जाते हैं। आपने सडनली पूरी कैलोरी कट करी तो आपकी बॉडी हार्मोनल एडाप्टेशन चालू कर देगी, वो हार्मोनल एडाप्टेशन चालू कर देगी तो आप खाना आधा खा रहे हैं लेकिन वजन बिल्कुल भी कम नहीं होगा। आपकी जो बॉडी है उसमें जो हार्मोन्स है लाइक ग्रेलिन वो ऊपर की तरफ चले जाएंगे तो आपको और ज्यादा भूख लगने लगेगी, तो आप पता लगा बिंज ईटिंग करना चालू कर दें या आप उस तरह की चीज खाने लगेंगे जो अननेसेसरी कैलोरी आपकी बॉडी के अंदर भेजती है। इसके अलावा आपने सडनली कैलोरी रिडक्शन की तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपकी जो बॉडी है उसका मूवमेंट स्लो हो जाएगा, आपको लगातार लगेगा कि आपको एनर्जी की कमी है,
आपको लगेगा कि लगातार मुझे थकान बनी हुई है, तो आप कम कैलोरी भी खा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आपकी बॉडी के लिए वो सरप्लस ही है, क्योंकि आप कम मूव कर रहे हैं, आपका एनर्जी लेवल लो है, आपका एक्सरसाइज परफॉर्मेंस नीचे हो गया, तो पता लगा कि आपने कैलोरी कम की और 2 किलो वजन ही बढ़ गया। तो इसलिए कैलोरी को अचानक से कम करना कहीं से भी प्रॉफिटेबल जो एक प्रपोजिशन है वो नहीं है। जो इनिशियली माना जाता था कि 3500 किलो कैलोरीज इक्वेशन, दैट मे नॉट बी रियली ट्रू। सीडीसी क्या सजेस्ट करता है? सजेस्टेड ये है कि आपको मैक्सिमम जो वेट लॉस है पर वीक 1 से 2 पाउंड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। पर वीक आपको वेट लॉस करना है, नॉट मोर देन 1 to 2 पाउंड्स। ये बिल्कुल ध्यान में रखने की जरूरत है कि सडनली आपने सोचा कि मैं तो 15 दिन के अंदर 5 किलो वजन कम करके छोड़ूंगा, मान के चलिए कि पूरे आपके एफर्ट्स काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएंगे। तो इसलिए जो वेट लॉस है ऑन एन एवरेज पर वीक 1 to 2 पाउंड्स, इससे ज्यादा होने की जरूरत नहीं है। और इसके लिए करना इतना पड़ेगा कि कैलोरी जो डेफिसिट है वो करीब करीब 500 से 1000 कैलोरीज के बीच में करने की जरूरत है। आपको अपने डाइटिशियन से के लिए बात करने की जरूरत पड़ेगी। नाउ इतना जो कैलोरी का रिडक्शन है, इट इज मोर देन एडिक्वेट, इसी से ही 1 to 2 पाउंड्स पर वीक आपका जो वेट लॉस है वो आ जाता है। और इसके लिए आपको डाइटिशियन से, जैसा मैंने कहा, आपको कंसल्ट करने की जरूरत है। लेकिन ऑन एन एवरेज आपको किसी भी हालत में अपनी जो कैलोरीज हैं उनको 1400 किलो कैलोरीज से नीचे करने की जरूरत नहीं है। अगर आप 1400 से नीचे करते हैं तो आपकी बीएमआर नीचे होने लगती है, इन्हें काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है। तो कैलोरी डेफिसिट चाहिए लेकिन सडन ड्रास्टिक रिडक्शन नहीं चाहिए। 1400 किलो कैलोरी से कहीं नीचे करने की जरूरत नहीं है। जो वेट लॉस ऑप्टिमम है वो 1 to 2 पाउंड्स पर वीक है, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। और माना जाता है कि जो भी आपका करंट कैलोरी इंटेक है आज का, उससे ज्यादा से ज्यादा आपको चाहिए तो 500 से 1000 कैलोरी का रिडक्शन चाहिए। ऐसा नहीं है जितना खा रहे हैं उसका तो आधा करके छोड़ेंगे। नो, अगर आप जो कैलोरी डेफिसिट करते हैं या आपने रिसेंट पास्ट में किया है और उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि मैंने तो कैलोरी कम करी फिर भी मेरा वेट तो कम नहीं हो रहा, रादर मेरा वेट तो बढ़ रहा है, इसका मतलब यह है कि आपका जो मेटाबॉलिज्म है शायद स्लो हो गया है या हार्मोनल एडाप्टेशन हो गया है। अगर ये दोनों चीजें हो गई तो इंपॉर्टेंट है। तो अगर इस तरह की सिचुएशन है कि आपने अपनी कैलोरी कम की, अपने अपना खाना कम किया, तो ना वेट कम हो रहा है रादर बढ़ रहा है, तो अगर आप इस पर ऐसा सोचें कि मैं तो और खाना कम करूंगा, ये काउंटर प्रोडक्टिव होता चला जाएगा, इससे आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर ऐसा है तो आप इन दो चीजों को देखिए कि आपकी फूड की क्वालिटी क्या है। ऐसा तो नहीं है कि आप प्रोटीन ठीक मात्रा में नहीं ले रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि इसमें कार्ब्स ज्यादा हैं, ऐसा तो नहीं है कि सिंपल शुगर्स ज्यादा। तो इस फूड की क्वालिटी को देखने की जरूरत है। एंड नंबर 2, अपने एक्सरसाइज का जो लेवल है उसको वॉच करके देखिए, उससे ही सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा। नो, जो कटिंग कैलोरीज है उसके लिए ये जरूरी नहीं है कि रोज अब आप डिनर टेबल पर बैठे और काउंट करें कि ये इसमें 100 कैलोरीज, इसमें 150 कैलोरीज, इसमें 50 कैलोरीज, इसको ऐसा जो काउंट करेंगे या वे करेंगे उससे काम नहीं चलेगा। और इससे एक दिन का काम तो है नहीं, लाइफ लॉन्ग आप रोज टेबल कुर्सी लेकर डिनर टेबल पर तो नहीं बैठ सकते कि मैं काउंट करूंगा कि मैंने कितनी कैलोरी खाई। एक्चुअली आपको वो टेक्निक्स इवॉल्व करने पड़ेंगी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो प्रैक्टिकल हो। आपको प्रैक्टिकल जो स्ट्रेटजीज है वो डिवाइस करनी पड़ेंगी सो दैट आपका जो इंटेक है कैलोरी का वो नीचे की तरफ आए। सिर्फ कॉपी पेन लेने से काम नहीं चलेगा, आपको करना ये पड़ेगा कि आपको देखना पड़ेगा कि आपके जो पोर्शंस हैं जो आप खाते हैं उनकी जो साइज है वो रिड्यूस हो जाए, दैट्स नंबर 1। आपको एक हेल्दी फूड स्वैप्स करने पड़ेंगे, हाई कैलोरी से लो कैलोरी की तरफ जाना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि आपका जो पूरा का पूरा दिन है उसमें वाटर इंटेक प्रॉपर है, प्रोटीन इंटेक प्रॉपर है, इन फाइबर की अमाउंट आपकी प्रॉपर है। नंबर 4, आपको लो कैलोरी जो उस तरह की जो मेथड्स हैं प्रिपरेशन की उनको एडॉप्ट करने की जरूरत है। डीप फ्राइंग की बजाय दूसरे मेथड अप्लाई करने की जरूरत है सो दैट कैलोरी डेंसिटी अननेसेसरी ना हो कुकिंग की प्रोसेस में। इसके अलावा जो हाई कैलोरी बेवरेजेस आपको कंज्यूम करने की आदत पड़ी हुई है उनको आपको अलग करने की जरूरत है। तो इसका मतलब यह है कि कैलोरी रिडक्शन तो चाहिए लेकिन ड्रास्टिक जो कैलोरी रिडक्शन है वो कभी कभी काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है। एंड कैलोरी कम करने के बावजूद भी ये हो सकता है कि वजन आपका कम ना हो रादर बढ़ जाए। तो इसलिए आपको इसको साइंटिफिकली डिवाइस करना पड़ेगा, आपको डाइटिशियन की मदद लेनी पड़ेगी। किसी भी हालत में आपको 1400 किलो कैलोरी से अपनी डाइट को नीचे करने की जरूरत नहीं है, कैलोरी इससे नीचे नहीं होनी चाहिए। एंड वजन जो कम करना है वो साइंटिफिक होने की जरूरत है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि
मैं एक हफ्ते में 5 किलो वजन कम करूंगा। ऐसा करेंगे तो वजन वापस आ जाएगा। ऑन एन एवरेज 1 से 2 पाउंड वजन कम करने की जरूरत है इन अ वीक। अगर इस कॉन्सेप्ट को समझने में यह वीडियो हेल्प करता है जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट लिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। थैंक यू वेरी मच।